हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेट एंड पीजी टेक्नोमिक्स। फ्रेंड्स, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो इन विच वी विल डिस्कस अबाउट डिमांड एनालिसिस, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के हमारे टॉपिक फर्स्ट के पार्ट वन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिमांड, देन टाइप्स ऑफ डिमांड एंड इन लास्ट लॉ ऑफ डिमांड। सो लेट्स स्टार्ट। वॉट इज डिमांड? डिमांड क्या है? जनरली एक कस्टमर जब किसी कमोडिटी की डिमांड करता है तो हम उसे डिमांड बोलते हैं, बट इकोनॉमिक्स में हम इसको डिमांड नहीं बोल सकते। इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड को तभी मार्केट डिमांड में काउंट किया जाता है जब उस इंडिविजुअल के पास पैसे हो, एबिलिटी टू पे हो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो डिमांड करता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड करता है, विलिंगनेस टू पे, ही इज रेडी टू पे फॉर दैट, एंड लास्ट वन इज डिजायर। डिजायर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। सबसे पहले डिजायर ही होता है, बट हमने इजीनेस के लिए इसके फर्स्ट लेटर्स को याद करने के लिए ATPWD इनको इस तरीके से अरेंज किया है, ATPWD, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। जब ये फाइव फैक्टर्स डिमांड में इंक्लूड होंगे तभी हम उस इंडिविजुअल की डिमांड को मार्केट डिमांड में काउंट करते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? डिमांड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए गुड दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डिमांड। इसमें सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। एक डिमांड होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है टोटल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एक सिंगल पर्सन की डिमांड होती है और टोटल डिमांड में बहुत सारे पर्संस की डिमांड को सम अप किया जाता है तो वो बनती है टोटल डिमांड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी डिमांड, आप किसी कमोडिटी की डिमांड करते हैं तो आपकी डिमांड एक इंडिविजुअल डिमांड है और मेरी डिमांड मेरी इंडिविजुअल डिमांड है। जब हमारी दोनों की डिमांड को सम अप करके देखा जाएगा तो वो क्या होगी? टोटल डिमांड। डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? व्हाट इज डिमांड? डिमांड में क्या होता है? इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज दैट ए कंज्यूमर प्लान टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ऑफ ए गुड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। इसमें सिर्फ डिफरेंस इन दोनों में इतना होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ ए गुड और सर्विस विच कंज्यूमर प्लान टू बाय एट पर्टिकुलर प्राइस। इसमें क्या है, कंज्यूमर प्लान टू बाय एट वेरियस प्राइसेस और इसमें क्या है, एट पर्टिकुलर प्राइस। डिमांड में क्या होता है, हम इस शेड्यूल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। हमने एक साइड प्राइस लिया है, दूसरी साइड क्वांटिटी डिमांडेड लिया है। प्राइस जब 5 है क्वांटिटी डिमांडेड 3 है, और प्राइस जब इंक्रीज होके 10 हो गया है क्वांटिटी डिमांडेड हमारी डिक्रीज होके 2 हो गई है। तो डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड शो कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड डिमांड, जो कि वेरियस प्राइसेस पे वेरियस क्वांटिटीज को शो करता है। और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, एट पर्टिकुलर प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस पे, यानी कि 5 प्राइस है, 3 क्वांटिटी डिमांडेड है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे हमारी कितनी डिमांड है? 5 प्राइस पे हमारी 3 यूनिट्स डिमांड है, तो दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में है फर्स्ट हमारा प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड मीन्स प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप। इट रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी और ए सर्विस दैट ए कंज्यूमर वुड परचेज इन ए गिवन टाइम इन ए मार्केट एट वेरियस प्राइसेस। वेरियस प्राइसेस की बात कर रहे हैं। जब हम प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, प्राइस डिमांड। मीन्स जब प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं तो उसका हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज इनकम डिमांड।
इनकम डिमांड क्या होता है? इट रेफर्स टू वेरियस डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच वुड बी परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम। इसमें एट वेरियस प्राइसेस की जगह पे क्या आ गया? वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम। इनकम डिमांड, इनकम और डिमांड के बीच रिलेशनशिप शो करता है कि जब जब एक कंज्यूमर की इनकम में चेंजेज आएंगे, उसकी डिमांड में क्या क्या चेंजेज आएंगे। इनकम जब इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट वन इज क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड मीन्स द क्वांटिटीज ऑफ ए गुड और सर्विस विच विल बी परचेज विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस नॉट ऑफ दिस गुड बट ऑफ अदर इंटर रिलेटेड गुड्स। इसमें हम क्या डिफरेंस कर सकते हैं इन दोनों से? इसमें अदर इंटर रिलेटेड गुड्स की बात की गई है। जो अदर इंटर रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस की वजह से हमारी डिमांड, एक जो कमोडिटी की, जिस कमोडिटी की डिमांड की हम बात कर रहे हैं उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अदर इंटर रिलेटेड गुड्स कौन सी होती हैं? ये टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो हम एक की जगह पे दूसरी को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, जब टी की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो हमारी कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कॉफी की प्राइस टी की प्राइस से कम है, क्योंकि हम सस्ती चीज को हमेशा ज्यादा खरीदते हैं। तो दिस इज सब्स्टिट्यूट गुड। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं? जो कि एक साथ यूज करी जाती हैं, एक के बिना दूसरी यूजलेस होती है। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। इफ यू हैव ए कार बट वी डोंट हैव पेट्रोल, तो हम उस कार को नहीं चला सकते। सो क्या होगा? वो यूजलेस होगी हमारे लिए कार। तो जब ये दोनों मिलके काम करेंगी, जब हम कार में पेट्रोल डालेंगे तो ही वो हमारे लिए यूजफुल होगी। सो जब कार की प्राइसेस डाउन जाएंगी तो हमारी पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी। इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। सो क्रॉस डिमांड हमें क्या दिखाता है कि जो अदर इंटर रिलेटेड गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उनके प्राइसेस का हमारी किसी कमोडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन शो करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इज डिटरमाइंड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, मार्केटिंग एटसेट्रा। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्यू डी इज द फंक्शन, क्यू डी मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड, इज द फंक्शन ऑफ पी वाई पी आर टी एंड एम। पी डिनोट्स प्राइस ऑफ कमोडिटी, वाई इनकम ऑफ कंज्यूमर, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टी टेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड एम इज मार्केटिंग। लास्ट वन इज लोफ डिमांड। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे नेट के पेपर में हमेशा आता है लोफ डिमांड से। लोफ डिमांड क्या होता है? लोफ डिमांड इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। लोफ डिमांड एक्सप्रेसेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एक फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सेटरस पेरिबस, सेटरस पेरिबस मींस अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। जब जो अदर फैक्टर्स हैं हमारे, जो कि हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी, प्राइस के अलावा जो भी अदर फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, मार्केटिंग, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स हम कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मींस ऑल अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट, सिर्फ हम प्राइस को एक मेन फैक्टर मान के चलते हैं। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप हमें देखना होता है।
So if price of a commodity falls, the quantity demanded of it will rise or vice versa. जब प्राइस कमोडिटी का डिक्रीज हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी और वाइस वर्सा जब क्वांटिटी सॉरी कमोडिटी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी डिक्रीज हो जाएगी. क्यू डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी. पी मीन्स प्राइस. सो लो ऑफ डिमांड शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. व्हेन पी price decreases, demand increases, and when price increases, demand decreases. So it is showing the inverse relationship, negative relationship. जब एक decrease, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, तो दूसरा घट रहा है. So demand schedule, हम law of demand को demand schedule और graph के through भी समझ सकते हैं. Demand schedule में क्या होता है? Price और quantity demanded. प्राइस जब 1 है क्वांटिटी डिमांडेड इज 3. प्राइस इंक्रीज होके 2 हो गया है देन क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज टू 2. प्राइस इंक्रीज होके 3 हो गया है डिमांड हमारी डिक्रीज होके 1 हो गई है. सो प्राइस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है. सो उल्टा हो रहा है. सो इट इज शोइंग नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. अब ग्राफ देख लेते हैं. ग्राफ में हमने x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स लिया है और y एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है. जब प्राइस 3 है तो हमारी डिमांड 1 यूनिट है. जब प्राइस डिक्रीज होके 2 हो गया है तो डिमांड इंक्रीज होके 2 हो गई है. प्राइस और डिक्रीज होके 1 हो गया है डिमांड इंक्रीज होके 3 हो गई है. जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें डिमांड हम देखेंगे. ये डिमांड कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है विच इज शोइंग नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. देखिए जब प्राइस 3 है तो डिमांड 1 है बट जब प्राइस 1 हो गया है तो डिमांड 3 है. तो इस पॉइंट से जब हम इस पॉइंट पे आए हैं तो ये क्या होता है? एक्सपेंशन इन डिमांड. प्राइस के कम होने से हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है और जब प्राइस 1 है और डिमांड 3 है फिर उसके बाद प्राइस 3 हो गया है तो डिमांड हमारी 1 हो गई है. तो जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे तो ये क्या कहते हैं इसको? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. सो दिस इज इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक फर्स्ट के पार्ट 2 की, जो कि होगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो फ्रेंड्स, इफ यू वॉन्ट मी टू अपलोड फर्दर वीडियोज देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू.